यूपी में 6 सालों में 6 लाख से ज्यादा युवाओं को दी सरकारी नौकरी। सीएम योगी बोले, बीमारू राज्य नहीं। चुनावी तैयारी में भाजपा कांग्रेस से आगे निकली, बीआरएस केसीआर ने संभाला मोर्चा। मोदी सरकार की नीतियों का दिख रहा असर, शहरों में तेजी से घटी बेरोजगारी। अरविंद केजरीवाल का वादा, दिल्ली के लोगों ने आप पर किया भरोसा, अब हम एमसीडी में बनाएंगे अद्भुत स्कूल। पीएम मोदी ने एशियाई गेम्स में भाग लेने वाले एथलीटों से की मुलाकात, इस अंदाज में नीरज चोपड़ा से बात करते नजर आए पीएम मोदी। श्रीलंका पर पाकिस्तान की बादशाहत कायम, लगातार 8वीं बार चटाई धूल, रिजवान शफीक ने दिलाई ऐतिहासिक जीत। राहुल गांधी झूठ की दुकान चला रहे हैं, सीएम शिवराज बोले उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सीएम मान का केंद्र पर निशाना, बोले जहां जनता उनका समर्थन नहीं करती। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बात, कहा मुश्किल घड़ी में हम साथ हैं। अतीक अहमद के दोनों बेटों के रिहाई पर मना जश्न, पटाखे फोड़ कर लगाए शेर इज बैक के नारे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।